साहबा के अहम तरीन उन्वान से इनेकात पजीर है। इसी उन्वान के चंद पहलू आपकी तवज्जो की नजर करूंगा। अजीज भाइयों, अंबिया के बाद
सबसे अफजल हस्तियां इस कायनाते इंसानी में हजरात सहाबाई किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन है। क्योंकि नबुव्वत के बाद सबसे बुलंद मनसब और मर्तबा सहाबियत है, रबूबियत जाती मनसब है, अल्लाह को किसी से मिला नहीं है। नबुव्वत और सहाबियत दोनों ही वहबी मनसब है, जो इंसान की मेहनत जिद्दोजहद तालीमी काबिलियत कसरत आमाल व इबादात और जहानत व फतानत की बुनियाद पर नहीं मिलते, फकत अल्लाह की अता और इंतखाब से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालत, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत और खत्मे नबुव्वत के लिए चुना है, फिर मेरे असहाब को मेरी सोहबत माइयत और रिफाकत के लिए खुद चुना है। तो नबी और सहाबी बनते नहीं है, बल्कि इन दोनों को रब खुद चुनते हैं। ये दोनों वाहबी मनसब है, कस्बी नहीं। रबूबियत जाती मनसब है, नबुव्वत और सहाबियत वाहबी अताई मनसब है, खिलाफत इंतजामी मनसब है, और विलायत कस्बी मनसब है, जो इंसान की मेहनत जिद्दोजहद मुजाहदा और रियाजत के साथ ताल्लुक रखता है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। वाहबी मनासिब में जैसे नबुव्वत है वैसे ही सहाबियत है। यह मनसब बताता है इस पर जितनी शख्सियात और हजरात फायज हुए वो आए नहीं बल्कि भेजे, बने नहीं बनाए गए। वो इंतखाब खुदाबंदी है। और इंतखाब किसे कहते हैं? अफराद की कमी मक्का में भी नहीं थी, फिर मक्के के सबसे बड़े कबीला कुरैश में भी नहीं थे, उसकी शाख बनू हाशिम में भी नहीं थी, मगर अल्लाह ने इसके बावजूद घर वाले चचा अबू लाहब को एक तरफ कर दिया। मक्के में भी था, कुरैश में भी था, नबी के रिश्तेदारों में भी था, अल्लाह ने मुस्तरद कर दिया। तब्बत यदा अबी लाहबिन व तब, और एक हस्ती वो है जो रूम में बैठी हुई है, अल्लाह ने वहां से उठाया, खिदमत मुस्तफा में पहुंचाया, इसे इंतखाब कहते। चचा महरूम हो गया, कराबत थी इसके बावजूद महरूम, मगर एक हस्ती फारिस में थी, अल्लाह ने उसे उठाया और मुस्तफा के कदमों में बैठा दिया, और हुजूर ने उसके लिए फरमाया, मिन्ना हम में से, सलमान हम में से है, अहले बैते नबुव्वत का फर्द करार दिया गया। इंतखाब किसे कहते? कुरैशी पीछे रह गए जिनमें अहलियत नहीं थी, और एक शख्सियत में अहलियत थी, वो हबशे में बैठी हुई थी, अरबी नहीं अजमी थी, हाशमी नहीं गैर हाशमी,
रंग की गोरी नहीं वो शख्सियत काली थी, मगर अहलियत थी कि नबी की सोहबत के तकाजे पूरे कर सके, नबी की सोहबत के तकाजे पूरे कर सके। और ये वही जानता है जिसके सामने जाहिर और बातिन यकसा हो। तो अल्लाह ने वहां से उठाया, मुस्तफा के कदमों में पहुंचाया, इंतखाब इसे कहते हैं। तो सहाबा इकराम रब का इंतखाब है, और याद रखिए सबका इंतखाब गलत हो सकता है मगर मेरे रब का इंतखाब कभी गलत नहीं होता। इंतखाब गलत क्यों होता है? उसकी दो वजह है, या तो इंतखाब करने वाले का इल्म कामिल ना हो, नाकिस हो, या उसकी कुदरत कामिल ना हो, नाकिस हो। दुनिया कहती है बस यार गलती कर बैठे, पता नहीं था, पता नहीं था। और कुछ कहते हैं पता तो था मगर हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि अकड़ सकते, ताकत की कमी थी, इसलिए गलत मुंतखब हुआ इल्म के नुकसान की वजह से, या ताकत कुदरत और पावर के नुकसान की वजह से। मुझे बताइए अल्लाह के इल्म में कोई नक्स है? अल्लाह का इल्म कामिल है कि नहीं? उसकी कुदरत भी कामिल है कि नहीं? जहालत की वजह से कोई किसी मनसब पे आ जाए, अहलियत उसमें ना हो, ऐसा सोच सकते हैं? कोई मजबूर करके मनसब पे आ जाए, अहलियत उसमें ना हो, ऐसा भी कोई नहीं सोचा जा सकता। अल्लाह का इल्म भी कामिल है, उसकी कुदरत भी कामिल है। इस कामिल इल्म और कामिल कुदरत वाली जात ने नबी के सहाबा का इंतखाब किया है, फिर गलत कैसे हो सकता है? ये गलत नहीं हो सकता। नबुव्वत भी रब का इंतखाब, सहाबियत भी रब का इंतखाब, न वो गलत न ये गलत, न वो गलत न ये गलत। यही वजह है अहले इस्लाम का अकीदा है अंबिया तनकीद से बालातर है, क्योंकि इंतखाब खुदा का है, उन पे तनकीद, इंतखाब करने वाले पे तनकीद है। इसी तरह अहले इस्लाम का अकीदा है असहाबे मुस्तफा भी तनकीद से बालातर है, क्योंकि वो भी रब का इंतखाब है, उन पे तनकीद भी, इंतखाब करने वाले पर तनकीद है। फिर अंबिया की इज्जत और तकरीब वाजिब और लाजिब है, मगर इस वजह से नहीं कि उनके आमाल ज्यादा है, इबादात ज्यादा है, ऐन मुमकिन है। अमल और इबादत की गिनती में गैर नबी नबी से बढ़ जाए लेकिन रुतबे में नहीं बढ़ सकता। जैसे हुजूर ने फकत एक हज किया, ऐसे उम्मती भी है जो हर साल हज पे जाते हैं, गिनती बड़ी है मगर रुतबे को कौन पहुंच सकता? इज्जत और तकरीम लाजिम और वाजिब है, आमाल और इबादात की कसरत की वजह से नहीं। बिल्कुल इसी तरह सहाबा किराम की इज्जत और तकरीम भी लाजिम और वाजिब है मगर आमाल और इबादात की कसरत की वजह से नहीं, ऐन मुमकिन है। गैर सहाबी अमल की गिनती में सहाबी से बढ़ जाए लेकिन रुतबे में कोई बराबर भी नहीं आ सकता, सहाबी की गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकता। इज्जत और तकरीम लाजिम और वाजिब है, क्यों? अंबिया की इज्जत के लाजिम होने की वजह आमाल की कसरत नहीं, मकामे नबुव्वत है, निस्बत इलर रबूबियत है। अंबिया की इज्जत और तकरीम के लाजिम और वाजिब होने की वजह मकामे नबुव्वत है, निस्बत इलर रबूबियत है। और सहाबा की इज्जत और तकरीम के वाजिब और लाजिम होने की वजह सबब
आमाल और इबादात की कसरत नहीं है, मकाम सहाबियत है, निस्बत इलन नबुव्वत है। अल्लाह ने अपने रसूलों को वरुसुली कहकर इज्जत बख्शी और खातमुल मुरसलीन ने अपने सहाबा को असहाबी कहकर इज्जत बख्शी। मेरे असहाब निस्बत अपनी जानिब की। आज कुर्बे कयामत का जमाना है, फितनों की कसरत है, मगर इसके बावजूद तबीयत इस कदर हसास है कि अगर अपना लफ्ते जिगर, अपना नूरे नजर, अपना हकीकी इब नाफरमान हो जाए तो अखबारात में इश्तिहार आ जाता है, ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, इसका मुझसे लेना देना नहीं, मेरा इससे लेना देना नहीं। आज के दौर में और अब जरा 1400 साल पीछे चले जाइए, नुज़ूले कुरान का जमाना है। अगर अल्लाह की मंशा और मर्जी के खिलाफ नबी अपने इज्तिहाद से भी कोई फैसला करे तो उस पे भी बरकरार नहीं रहने दिया जाता, फौरन वही आ जाती है। माकाना लिन नबी والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى। نزول قرآن کے زمانہ میں حضور فرمائے اصحابی، نسبت اپنی طرف کریں، ایک حبشے سے ہے، ایک روم سے ہے، ایک فارس سے ہے، کوئی تخت شاہی سے اتر کے آیا، कोई बकरियों के रेवर से निकल के आया, कोई कबीले का सरदार है, कोई गरीब फकीर और मोहताज है। मुस्तफा ने सबको दामन में छुपा के सीने से लगा के कहा असहाबी, असहाबी, मेरे असहाब। निस्बत अपनी तरफ की तो जिनकी निस्बत मोहम्मद अपनी तरफ करे, जिनकी निस्बत मोहम्मद अपनी तरफ करे उनके बारे में बदजुबानी और बदगुमानी करके कोई मोहम्मद की शफात का हक कैसे रख सकता। तो अंबिया की इज्जत और तकरीम मकामे नबुव्वत और निस्बत इलर रबूबियत की वजह से, सहाबा की इज्जत और तकरीम मकामे सहाबियत और निस्बत इलर नबुव्वत की वजह से, अब मैं इस बहस का नतीजा आपके दामन में डालने लगा हूं। आमाल और इबादात शरीयत को मतलूब जरूर है, निजात कामिल के लिए जरूरी है, बुलंदीय दराजात का सबब बनते हैं, शरीयत इनकी डिमांड तलब और तकाजा करती है, मगर इसके बावजूद सहाबा की इज्जत करने की वजह उनके आमाल की कसरत नहीं है, इबादात की कसरत नहीं है। जब उनकी इज्जत उनके आमाल की वजह से है ही नहीं, निस्बत की वजह से है, मकाम सहाबियत की वजह से है, तो फिर उनके आमाल को लेके उन पे तनकीद कैसे हो सकती है। उनके ईमान को तो मौजूए बहस बनाया ही नहीं जा सकता, सहाबा के ईमान को मौजूए बहस बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये मोमिन ही नहीं, पक्के मोमिन है, पक्के मोमिन है। उनके ईमान को मौजू बहस नहीं बनाया जा सकता। अल्लाह कुरान करीम में बाप की इंसानियत के ईमान के लिए उनके ईमान को मेयार करार देते हैं, उनके ईमान को सैंपल करार देते हैं, उनके ईमान को नमूना करार देते हैं। फरमाया फैन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। अगर बात वाले ईमान लाए ऐसा सहाबाए किराम जैसा तुम ईमान लाए, फिर तो उन्हें हिदायत मिलेगी। व इन तवल्लौ, और अगर हट गए फिर गए, फैनमा हुम फी शिकाक, तो वो शिकाक में है, बदबख्ती में है, हसद में है, बोक्स में है, अदावत में है, कीना में है, जलालत में है, गुमराही में है, बेरह रबी में है, गुमगुश्तरा है। व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयक्फीकहुमुल्लाह। अल्लाह उन्हें खुद धर लेगा, अल्लाह सहाबा की तरफ से उन्हें काफी हो जाएगा, क्योंकि जो वो
जुबान से कहते हैं वह समी, अल्लाह उसे सुनता भी है, और जो कीना दिल में रखते हैं अल अलीम उसे जानता भी है। तो ईमान का मेयार सहाबा का ईमान है, उनके ईमान पे तो बहस हो नहीं सकती। अब दीन के दुश्मनों ने उनके आमाल को मौजूए बहस बनाया। देखो जी कैसे उज्जत हो सकते हैं, कैसे मेयारे हक हो सकते हैं, फलाने सहाबी से ये हुआ, फलाने सहाबी से ये हुआ, उनसे जो भी हुआ उनमें तनकीद का बायस नहीं है, गुनाह ही हुआ, जिसे अरबी में खता कहते हैं, खता गुनाह के माना में हो तो अल्लाह की हिकमत के तहत हुई, खता गुनाह के माना में हो अल्लाह की मशीयत के तहत हुई, जैसे कुरान कहता है सुम्मन सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम फलकद अफा अनकुम। मैदान से हटने की निस्बत भी अल्लाह ने सहाबा की तरफ नहीं अपनी तरफ की, और उसकी हिकमत लियब्तलियकुम बताई। तो सहाबा से गुनाह भी हुआ तो अल्लाह की हिकमत के तहत हुआ, मशीयत के तहत हुआ, और उसमें उम्मत की सहूलत और फवायद है, उम्मत की रहनुमाई है। अगर सहाबा इकराम तरबियत के दौरान भी गुनाह न करते, नबी का कमाल तरबियत कैसे जाहिर होता, हम कैसे कहते कि आका दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अगर तरबियत के दौरान भी उनसे गुनाह न होता, नबी का कमाल तरबियत कैसे जाहिर होता, फिर तो वो पहले से बने बनाए थे, पहले से सवरे सवराए थे, नबी के तस्किये का कमाल, नबी की तरबियत का कमाल कैसे जाहिर होता, हम दुनिया को कैसे बताते। नबी का कमाल तरबियत ये है कि नबी ने रहसन को रहबर बनाया, जाहिल को आलिम बनाया, सनम परस्तों को समद परस्त बनाया, बातिल परस्तों को हक परस्त बनाया, जो हलाए अरब को मकाम सहाबियत पे पहुंचाया। हम कैसे नबी का कमाल तरबियत बताते। फिर सहाबा इकराम से अगर गुनाह भी हुआ तो ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं, अल्लाह की मशीयत के तहत शरीयत के किसी हुक्म की तकमील के लिए भी हो सकता है। जैसे अलिम अल्लाह अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अन्फुसकुम फताबा अलैकुम। रात पहले रोजे में शामिल थी, एक सहाबी से खता हुई, ये रोजे से निकल गई और रोजा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इमसा के सलासा को करार दे दिया गया। अगर सहाबी से खता न होती तो जनाब रात को भी रोजेदार होते, और रोजे की तवालत कितनी मशक्कत का बायस थी उसका अंदाजा गर्मी के फकत दिन के रोजे से लगाया जा सकता है। ये भी सहाबी की खता की मेहरबानी है, इस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। वो तो पूरी उम्मत के मोहसे है। अगर खता को गुनाह के माना में लिया जाए तब भी तनकीद नहीं, इज्तिहादी खता के माना में लिया जाए तो बुखारी में रिवायत आती है कि जब मुज्तहिद से इज्तिहादी खता होती है तब भी मुआख्जा नहीं, मुज्तहिद माफूज नहीं माजूर होता है, उसे कहरा अजर मिलता है। इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहदा फअसाबा फलहु अजरान, सेहत की सूरत में डबल अजर, वैसा हकम सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन, और जब खता मुज्तहिद से होती है कहरा अजर मिलता है। इमाम सुयूती ने अलजामियुस सगीर में हदीस जिक्र की 288 नंबर पे, हुजूर ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत के साले मुज्तहिदीन का फी ज़मानिन वाहिदिन फुरूई मसाइल में आपस का इख्तिलाफ रहमत है। और जब सहाबा इकराम इज्तिहादी खता करते हैं, इज्तिहाद की बुनियाद पे इख्तिलाफ होता है, तो इसे तो नबी रहमत कह रहे हैं, रहमत पे कौन अकल का दोस्त तंकीद कर सकता है। और इज्तिहादी इख्तिलाफ की सूरत में जिस जानिब खता होती है वो भी अमल भी शरीयत की एक सूरत होती है, और शरीयत पर अमल की सूरत में तनकीद दुरुस्त ही नहीं। जब खता है गुनाह के माना में हो तब, इज्तिहादी खता के माना में हो तब किसी सहाबी पे तनकीद जायज नहीं, उनके मुशाजरात है तब भी तनकीद जायज नहीं, इसलिए कि उससे उम्मत को
आसानी मिली है, उनके मनाज़ात मुनाज़ात लड़ाई झगड़े जैसे जंगे सिफीन है, ये भी उन पे तनकीद का बाइस नहीं। ये कुरान की आयत की अमली सूरत है, इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू फासलिहू बैनहुमा। नबी की पेशीन गोई की सदाकत है, इन नबनी हाजा सैयद हजरत हसन के लिए फरमाया फलअल्लाह अयुस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा सरदार बेटा है, ये मोमिनीन की दो अजीम जमातों में, मुस्लिमीन की दो अजीम जमातों में सुलह कराएगा। पेशीन गोई नबी की है, सुलह के लिए लड़ाई का होना जरूरी है, तो ये लड़ाई भी नबी की पेशीन गोई की सदाकत है। इसकी वजह से भी सहाबा पे तनकीद नहीं हो सकती, तो ना उनके ईमान को मौजूए बहस बनाया जा सकता था, क्योंकि हमारे ईमानों के लिए सहाबा का ईमान मेयार है, सैंपल है, नमूना है, उनके अमाल को भी मौजूए बहस नहीं बनाया जा सकता। और एक बात और अर्ज करता हूं, अमाल शरीयत को मतलूब है, मगर इसके बावजूद उनकी इज्जत और तकरीम अमाल की वजह से नहीं, निस्बत की वजह से है, मकाम की वजह से है। या तो उनको कोई ऐसा अमल दिखाओ जिससे वो सहाबी न रहे, ऐसा अमल दिखाओ जिससे मोहम्मद के साथ निस्बत मुनक़ते हो जाए, दुनिया उल्टी लटक सकती है। किसी सहाबी का ऐसा अमल नहीं दिखा सकती जो मोहम्मद से निस्बत को खत्म करे या मकाम सहाबियत से माजूर कर दे। तो फिर उस पे जुबान दराजी की इजाजत किसी को मिल ही कैसे, उन्हें अमाल के तराजू पे नहीं तोला जा सकता, निस्बत के तराजू पे तोलो, निस्बत के तराजू पे। याद रखिए साहबा कुरानी शख्सियात है, तारीखी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात है, तारीखी शख्सियात नहीं है। अगर उनका मुकाम और मर्तबा देखना है, तारीखी रिवायात में क्यों देखते हो? क्या हमारे पास कुरान नहीं है? हमारा तो है, हमारे पास है, हमें तारीखी रिवायात में उनका मुकाम तलाश करने की क्या जरूरत है? सीनों में है, अलमारियों में है, गुलाफों में है, घर में है, दुकानों में है, फैक्ट्रियों और कारखानों में है, तो हम तारीखी रिवायात का सहारा क्यों लें? साहबा कुरानी शख्सियात है, तारीखी शख्सियात नहीं। उनके मुकाम और मर्तबा को तारीखी कुतुब और रिवायात के तराजू पे नहीं तोला जा सकता। अल्लाह के नबी की निस्बत और कुरान के तराजू पे तोला जाएगा। अल्लाह के कुरान में देखिए या मोहम्मद के फरमान में देखिए, साहबा का मर्तबा तारीखी रिवायात में देखना और उन्हें तारीख के तराजू पे तोलना, ये ऐसे ही है जैसे तूड़ी वाले तराजू पे अहद पहाड़ को तोलना, तूड़ी वाले तराजू पे अहद पहाड़ को तोलना। न तूड़ी वाले तराजू पे अहद पहाड़ तोला जा सकता है, न तारीखी रिवायात पे मोहम्मद के सहाबा को तोला जा सकता। कहते नहीं फुलानी तारीखी किताब में ये है, हम कहते हैं अल्लाह के कुरान में ये, फुलानी तारीखी रिवायत में ये है, हम कहते हैं कुरान की फुलानी आयत में ये। तो तारीख का हवाला देता है, मैं वही का जिक्र करता हूं, तो तारीख का हवाला देता है, मैं वही की बात करता हूं। याद रखिए कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला, कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला कोई नहीं। अगर सहाबाए किराम की आईनी हैसियत देखना चाहते हो तो अल्लाह के कुरान की तरफ क्यों नहीं आते, इससे क्या दुश्मन? नबी के फरमान की जानब क्यों नहीं आते? जिसे जिब्राइल लेके आए, अल्लाह भेजे, मोहम्मद रसीम करे, उस पर ईमान नहीं है। और जिसे मुअर्रिख लिखे बगैर देखे लिखे, उसको तो हुज्जत समझता है, तो बात कुछ और है, बात कुछ और है। कुरान की वजह से तारीफ नहीं करता, तारीख की वजह से तनकीद करता है। तो पता चला तौहीने सहाबा मजहब नहीं है, मुगालता भी नहीं है, इस्लाम के खिलाफ कोई यहूदी साजिश लगी।
शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात है। और कुरान उनके बारे में क्या कहता है, कुरान से पूछो। कुरान कहता है सहाबा में यारे हक, कुरान कहता है सहाबा में यारे हक। अल्लाह को दो चीजें मतलूब है, ईमान और आमाले साले, दोनों में मेयार नबी के सहाबा। हमारे ईमान के लिए मेयार सहाबा का ईमान, सैंपल सहाबा का ईमान, नमूना सहाबा का ईमान। फैन आमनू बिमिस्री मा आमनतुम बिही फकद इहतदऊ। सहाबा के ईमान को मेयार बनाया, नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। तवज्जो, हमारा ईमान डायरेक्ट नहीं है, हमारा ईमान इनडायरेक्ट है। हमने मोहम्मद को देखा नहीं है, सहाबा से सुन के ईमान लाए हैं। कुरान उतरते देखा नहीं है, सहाबा से आयत आयत वसूल की है। उम्मत ने सहाबा इकराम से सब कुछ लिया है, न इन्होंने कुरान उतरते देखा, न हुजूर को नमाज पढ़ते देखा। हर चीज पर ईमान सहाबा की विसादत से है। हमारा ईमान डायरेक्ट नहीं है, सहाबा की विसादत से है। हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे है, हमारे ईमान की असास सहाबा का ईमान है। अगर सहाबा के ईमान की ही नफी कर दी जाए तो फिर अपना ईमान बदबख्त कैसे साबित करेगा। अगर सहाबा के ईमान का इनकार कर दिया जाए तो अपने ईमान का इस्बात कैसे हो सकेगा। कोई इमारत और बिल्डिंग बुनियाद के बगैर नहीं हो सकती, तो हमारा ईमान सहाबा के ईमान के बगैर कैसे हो सकता। सहाबा इकराम के ईमान पर हमारे ईमान की बुनियाद है। अगर सहाबा मोमिन नहीं तो कयामत तक कोई मोमिन पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे है। और फिर रहे आमाल, हमारे अमल की बुनियाद भी सहाबा के अमल पे, हमारे अमल की बुनियाद सहाबा के अमल पे है। तवीरी गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो कीजिए। हमारे अमाल की बुनियाद भी सहाबा के अमाल पे है। किसी के जहन में सवाल पैदा हो, हमारे अमाल की बुनियाद नबी के अमाल पे क्यों नहीं, नबी के अमाल पे क्यों नहीं, तवज्जो कीजिए। वजह ये है, हुजूर की जिंदगी के सारे अमाल को हम अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। हुजूर की जिंदगी के सारे अमाल को हम अपना नहीं सकते। उनमें से कुछ अपनाने के हैं और कुछ ना अपनाने के हैं। तीन शर्तों के साथ नबी के अमल पे हम अमल करते हैं, तीन शर्तों के साथ। मुहक्किकीन ने लिखा है, नंबर एक, अमल नबी का हो लेकिन ला मखसूसम बिही, हुजूर के साथ खास ना। जैसे 11 शादियां करना हुजूर के साथ खास है, इन्नी रसूलुल्लाह कलेमा पढ़ना हुजूर के साथ खास है, ला मखसूसम बिही हुजूर के साथ खास है। नंबर दो, ला तबअन लहू आपकी तबीयत भी ना हो। नंबर तीन, ला सहवन अनहू आपसे सहवन भी ना हुआ हो या किसी और आरजा की बिना पे नबी से वो अमल ना हुआ हो। इन तीन चीजों को सामने रख के छांटी करो, जो खुसूसियत भी नहीं, तबीयत भी नहीं, किसी आरजा की वजह से भी नहीं हुआ, इन तीन से हटकर अगर कोई नबी का अमल है उस पे उम्मत अमल करेगी और उसकी इत्तेदा लाजिम होगी। अब ये पता कहां से चलेगा कि नबी का कौन सा अमल वो है जिसमें ये तीन चीजें नहीं और उम्मत उसकी इत्तेदा करे। ये पता भी सहाबा से चलता है। सहाबा को निकाल दिया जाए तो नबी के अमल तक उम्मत नहीं पहुंच सकती। इसकी छाती कैसे होती है, हम सहाबा की जिंदगियों को देखते हैं। जो नबुव्वत का अमल सहाबा की जिंदगी में आ जाए उसे उम्मत भी जिंदगी में ले आती है, और जिसे सहाबा छोड़ते उसे उम्मत भी छोड़ते। तो गोया सहाबा इकराम वो छानना है, सहाबा का अमल सहाबा की जिंदगी वो छानना है जिसमें नबुव्वत के अमाल रखे जाते हैं, नबुव्वत के अफाल रखे जाते हैं, नबुव्वत की जिंदगी रखी जाती है। जब ये सहाबा के अमल का छानना चलता है तो जो ऊपर रह जाते हैं वो फकत नबुव्वत के लिए होते हैं, जो नीचे निकल आते हैं पूरी उम्मत के लिए होते हैं। तभी हुजूर ने फरमाया, असहाबी
اهتديتم تبھی حضور نے فرمایا علیکم بسنتی بات پوری ہو گئی تھی پھر فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کیونکہ نبی کی سنت کا تعین ہوتا ہی صحابہ سے تو اس میں نے یہ کیا ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہمارے اعمال کا معیار صحابہ کا عمل تو بتائیے اور معیار حق کسے کہتے ہیں اور معیار حق کسے کہتے ہیں جیسے رب تک شاہ عرب کو نکال کے نہیں پہنچا جا سکتا خدا تک پہنچنے کا فقط ایک ذریعہ ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کو نکال کے کوئی جو مرضی کہے رب تک نہیں پہنچ سکتا ایسے ہی محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کا بھی فقط ایک ذریعہ ہے اسے اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو نکال کے کوئی لاکھ کہے وہ محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے صحابہ معیار حق ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان عمل کا معیار صحابہ کا عمل تو پھر وہ کیسے ہمارے جیسے ہیں یہاں ان جیسے ہیں کیسے کہا جا سکتا ہے ہم رجال ونحن رجال وہ بھی بندے ہم بھی بندے ٹھیک ہے بندے تو ہو پر بندوں میں فرق ہے یہ تو انبیاء بھی بندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اللہ معراج پہ بندے کو لے کے گیا ہے یہ تو انبیاء بھی بندے ہیں لیکن ساری کائنات مل کے گرد راہ کو بھی پہنچ سکتی ہے بندے مگر ہم صحابہ جیسے نہیں صحابہ ہمارے جیسے نہیں ان کی شان کیا ہے چلے آئیں بات کو آسان کرتے ہیں صاحب مشکات نے مشکات شریف جلد اول میں ایک حدیث ذکر کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن جو تم میں سے کسی کی اقتداء کرنا چاہے کسی کی پیروی کرنا چاہے فلیستن بمن قد مات تو وہ ان کی پیروی اور اقتداء کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں زندوں کی نہیں کیوں اس لیے کہ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنة زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا کسی بھی وقت شیطان اسے فتنہ میں مبتلا کر سکتا ہے اس لیے جو ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی اقتداء کیجئے اور پھر وہ کون ہو سکتے ہیں ابن مسعود نے خود فرمایا اولئک اصحاب محمد تمہارے باپ دادا کی بات نہیں کر رہا اصحاب محمد کی بات کر رہا ہوں جن کے ایمان پہ بھی قرآن کی سند جن کے ایمان پہ بھی قرآن کی سند ان سے اللہ کی رضا پہ بھی قرآن کی سند جنت کے ان کی میراث ہونے پر بھی قرآن کی سند تو پیروی کن کی کرو اولئک اصحاب محمد صاحب محمد کی کم فرمایا اس وجہ سے کانو افضل ہذہ الامہ وہ اس امت کے افضل افراد ہیں سب سے فضیلت والے افراد ہیں افضل ترین طبقہ اس امت کا صحابہ کرام ہے اس لیے ان کی اقتداء کرو پھر افضلیت کی چار پانچ وجوہ ذکر کی فرمایا ایک وجہ ان کی افضلیت کی یہ ہے کہ آپ ابر رہا قلوب ان کے دل سب سے پاکیزہ قلوباً وہ دلوں کے تزکیہ کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا کیونکہ ان کے قلوب کا تزکیہ محمد مصطفیٰ نے کیا جن سے بڑا مربی کوئی نہیں جن سے بڑا شیخ کوئی نہیں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاقلاب تو صحابہ کرام کی ایک افضلیت کی وجہ ابن مسعود نے یہ بتائی ابر رہا قلوباً اے دلوں کے سب سے پاکیزہ قلوب کا تزکیہ محمد مصطفیٰ نے کیا امتحان خود خدا نے لیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ اور پھر انہیں 100% کامیاب قرار دیا صحابہ کرام کے قلوب کا تزکیہ اللہ نے کیا یہ وہ جماعت ہے جس کی فقط ظاہری صلاحیتوں کو نہیں جانچا گیا فقط ظاہری صلاحیتوں کا امتحان نہیں لیا گیا اللہ نے باطنی صلاحیتوں کو بھی جانچا ہے اور دلوں کا امتحان لے کر 100% کامیاب کہا افضلیت
की पहली वजह अबर रहा कुलूब दिलों के सबसे पाकीजा, दूसरी वजह आमकहा इल्म उनका इल्म सबसे गहरा, और सबसे गहरा क्यों ना हो, हमारे पास नबुव्वत का इल्म कई वास्तों से आया और सहाबा के पास बिला वास्ता आया। कौन कह सकता है सहाबा के बाद वजदतु रसूल अल्लाही राईतु रसूल अल्लाही कुंतु लिरसूल अल्लाही, लेकिन हुजूर के सहाबा कहते हैं वजदतु रसूल अल्लाह राईतु रसूल अल्लाह कुंतु लिरसूल अल्लाह। ये सहाबा कह सकते हैं हमारे पास नबुव्वत का इल्म मुतअद्दद वास्तों से, सहाबा के पास बिला वास्ता, वो हुजूर के बिला वास्ता शागिर्द और पूरी उम्मत के बिला वास्ता बिल वास्ता उस्ताद है, जो नबुव्वत से लेते हैं उम्मत को देते हैं, नबुव्वत से पढ़ते हैं उम्मत को पढ़ाते हैं, नबुव्वत से सीखते हैं उम्मत को सिखाते हैं, नबुव्वत से सुनते हैं उम्मत को सुनाते हैं, नबुव्वत से जानते हैं उम्मत को बताते हैं। आम कहा इल्म उनका इल्म सबसे गहरा, अकल्लाह तकल्लुफन तकल्लुफ और बनावट उनमें नहीं था, वो जो ऊपर से वही अंदर से, जो उनका जाहिर वही उनका बातिन, जो उनकी जुबान पे वही उनके दिल में, जो उनके दिल में वही उनकी जुबान पे। और चौथी वजह क्या है, इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबती नबीही, अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत माइयत और रिफाकत के लिए उन्हें खुद चुना है। वली इकामती दीनी ही, पांचवी वजह अफसलियत की, दीन की इकामत के लिए, कयाम के लिए, इस्तेहकाम के लिए, इहकाम के लिए, गलबे और निफास के लिए अल्लाह ने खुद उनका इंतखाब किया है। इसलिए इनकी इब्तिदा करो इन पांच वजूह से। हजरत इब्ने मसूद ने उन्हें अफसल अफराद करार दिया पूरी उम्मत में, और फिर फरमाया फारिफूलहुम फजलहुम, उनकी फजीलत पहचानो, फारिफूलहुम फजलहुम उनकी फजीलत पहचानो, तुमने उम्मती के हाथ पे बैत की और उन्होंने नबियों के नबी के हाथ पे बैत की, फारिफूलहुम फजलहुम उनकी फजीलत पहचानो, तुमने उम्मतियों के पीछे नमाज पढ़ी और उन्होंने नबियों के नबी के पीछे नमाज पढ़ी, फारिफूलहुम फजलहुम उनकी फजीलत पहचानो, तुम्हारा ईमान डायरेक्ट नहीं उनका ईमान डायरेक्ट, तुम्हारे ईमान की बुनियाद उनके ईमान पे, तुम्हारी शहादत की बुनियाद उनकी शहादत पे, फारिफूलहुम फजलहुम उनकी फजीलत पहचानो। मैं आपको देखूं आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, आप मुझे देखें मेरी तस्वीर आपकी आंखों में, क्या मंजर था, सहाबा नबी को देखे नबी की तस्वीर सहाबा की आंखों में, नबी सहाबा को देखे तो सहाबा की तस्वीर नबी की आंखों। अल्लाह ने फरमाया ला तादु ऐना कानहुम तुरीदु ज़ीनत अल-हयातिद दुनिया, हबीब तेरी आंख इनसे हटने ना पाए, इस फ्रेम में बिलाल से अच्छी तस्वीर किसी की नहीं लगी, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम से अच्छी तस्वीर उनकी नहीं लगती जिनकी फिक्र में आपने उधर से नजर हटाई, तो अल्लाह ने फरमाया अबसा व तवल्ला अंजाहुल आमा फारिफूलहुम फजलहुम, इनकी फजीलत पहचानो ये बात वालों जैसे नहीं है। कौन कहता है हुम रिजाल वनहनु रिजाल फारिफूलहुम फजलहुम, इनकी फजीलत पहचानो, तुम जन्नत तलाश करते हो जन्नत सहाबा तलाश करती है, तुम अल्लाह की रजा तलाश करते हो अल्लाह की रजा असहाबे मुस्तफा तलाश करती है, नमाजी से पूछो नमाज किस लिए कि अल्लाह की रजा के लिए, रोजेदार से पूछो रोजा किस लिए कि अल्लाह को राजी करने के लिए, हाजी से पूछो हज किस लिए कि अल्लाह को राजी करने के लिए, खर्च करने वाले से पूछो खैरात किस लिए कि अल्लाह को राजी करने के लिए, मुजाहिद से पूछो जिहाद किस लिए कि अल्लाह को राजी करने के लिए। जब सारी दुनिया हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए कर रही है, अगर किसी आमिल से पूछ लिया जाए राजी हुआ है,
अल्लाह राजी हो गया तो कहेगा दावा तो नहीं कर सकता और उम्मीद नहीं छोड़ सकता। दावा भी नहीं करता, उम्मीद भी नहीं छोड़ता। उम्मीद पे दुनिया का बड़ा मकाम है अब्दुल कादिर जिलानी का, लेकिन दावा नहीं कर सकते अल्लाह मुझसे राजी बड़ा मर्तबा है। जुनैद बगदादी का दावा नहीं कर सकते अल्लाह मुझसे राजी बड़ा मर्तबा है। बायजीद बुस्तामी का दावा नहीं कर सकते अल्लाह मुझसे राजी। मोहम्मद का बिलाल बाजू लहरा के दावा कर सकता है मुझसे अल्लाह राजी है, मुझसे अल्लाह राजी है, मुझसे राजी है। बिलाल तेरे पास क्या प्रूफ है? फरमाया मुझे उसने सर्टिफिकेट दिया है, तूने पढ़ा नहीं। रजी अल्लाह अन्हु व रसूल अन्हु, मुझे उसने सनद जारी की है, मुझे उसने लेटर जारी किया है। रजी अल्लाह अन्हु व रसूल अन्हु कि अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। तवज्जो कीजिए, नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। मकामे मदा में अल्लाह ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हु व रजू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। सवाल पैदा होता है सहाबा से अल्लाह का राजी होना, ये तो तारीफ बनती है। सहाबा से अल्लाह का राजी होना ये तो तारीफ बनती है, सहाबा का अल्लाह से राजी होना ये उनकी तारीफ कैसे? अल्लाह उनसे राजी ये तो तारीफ है, अल्लाह ने कहा वो भी अल्लाह से राजी, तो ये उनकी तारीफ कैसे है? सवाल समझ में आया? तवज्जो, हमें दो दिन खाने को ना मिले हमारी जुबान शिकवे उगलने लग जाती है, फिर इससे अगले मरहला में शिकायतों पे उतर आती है और न जाने कहां जाके रुकती है, कहां जाके रुकती है। हमें चार दिन बुखार रह जाए, थोड़ी सी मुसीबत और परेशानी आ जाए तो न जाने क्या ओल फॉल पकने लग जाते हैं। सहाबा की मदा कैसे है कि वो भी अल्लाह से राजी है, इसलिए कि अल्लाह ने जिन मुसीबतों और मुसीबतों की जिन भटियों से उन्हें गुजारा, जुबान पे शिकवा फिर ना आया, फिर भी अल्लाह से राजी रहे, ये तारीफ नहीं तो क्या है? मक्का चढ़वाया फिर भी राजी, करबला कुर्बान करवाया फिर भी राजी, सब कुछ होते हुए मदीना में गए, कुफार ने गलबा गलबा पाके कब्जा कर लिया, फकीर कहलाए लिल्फुकराइल मुहाजरीन फिर भी राजी, तपते कोयलों पे लेटा दिए गए फिर भी राजी, तपती रेत पे लेट के बिलाल सुबह में हाल से कहते रहे जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, तख्तेदार पे लटक गए फिर भी राजी, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानाते कदम देखे हैं, तख्तेदार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कब देखे हैं, रहे यही उनकी किस्मत, यही उनका खासा, यही उनका इम्तियाज और एजाज है कि अल्लाह ने जैसे रखा उन्होंने शुक्र किया, शिकवा जुबान पे नहीं आया, तो अल्लाह का उनसे राजी होना यह भी उनकी तारीफ और उनका अल्लाह से राजी होना यह भी उनकी तारीफ। फारिफूनहुम फजलहुम, उनकी फजीलत पहचानिए, हम अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, अल्लाह की रजा असहाबे मुस्तफा तलाश करती है, हम गुनाह पहले करते हैं माफी बाद में होती है, वो भी मांगे तो। सहाबा की शान देखिए, अभी खता हुई ही नहीं, हुई ही नहीं है, अल्लाह ने माफी का ऐलान पहले कर दिया। ए मालूम आशीद, ए मालूम आशीद, जो चाहो करो, कद गफरतु लकुम, मैंने करने से पहले ही मुआफ कर दिया, सिर्फ मुआफ ही नहीं किया, वक्त बदल तो सय्यातिकुम हसनात, मैंने तो तुम्हारी सय्यात को भी हसनात से बदल दिया। इब्ने मसूद कहते हैं फारिफू लहुम फसलहुम, उनकी फजीलत पहचानो, वो अंबिया की तरह इंसानियत से अफसल तो नहीं है, अंबिया के बाद पूरी
पूरी इंसानियत से अफसल जरूर है, अंबिया की तरह मासूम तो नहीं है मगर महफूज मगफूर इंदल्ला मकबूल जरूर है। वो रबूबियत और नबुव्वत के दरमियान वास्ता तो नहीं है मगर नबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता जरूर है। उन पे कुरान अगर चे उतरा तो नहीं है मगर वो कुरान के फरीन मुखातब और मुहाफिज जरूर है। वो इस्लाम के अवामिर नवाही के मूजिब तो नहीं है मगर इस्लाम के फरीन नाकल और शारे जरूर है। उनके कब्जे में इंसानियत की हिदायत तो नहीं है मगर वो पूरी इंसानियत के लिए शरीयत हिदायत और नमूने अमल जरूर है। फारिफू लहुम फसलहुम, पहचानो उनकी फजीलत, वो तुम्हारे जैसे तुम उन जैसे और हम तुम क्या। अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह से, उमर बिन अब्दुल अजीज अफसल है यह हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहने लगे हजरत मुआविया नहीं उनके घोड़े पे आओ। फिर घोड़ा घोड़े पे भी नहीं, खास उसके नाक के नथले पे आओ। फिर नाक का नथला भी नहीं, उनके कदमों से उड़कर नाक के नथले में पड़ने वाली गर्दो गुबार पे आओ। वो गर्दो गुबार भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफसर है। साहबा को समझो, फारिफू लहुम फसलहुम, हम तुम क्या। कहा उमर बिन अब्दुल अजीज और कहा आज का भंगी और चश्मा। साहबा की आईनी हैसियत समझिए, फारिफू लहुम फसलहुम, उनकी फजीलत क्या है, साहबे मुस्तफा की फजीलत। वो नबुव्वत को उठा के बुलंदियों पे चले जाते हैं। फारिफू लहुम फसलहुम, उनके आंसू भी गिरे तो अल्लाह नबी के रुखसारों से हट के जगह नहीं देते। फारिफू लहुम फसलहुम, उनकी फजीलत पहचानो, उनके तो रुके और चिटे देख के ठहरे दरिया बह पड़ते हैं। फारिफू लहुम फसलहुम, कपड़े देख के आग भड़कती नहीं दबक जाती है, उनके दुर्रे से जमीन के जलजले रुक जाते हैं, हवा उनका पैगाम पहुंचाती नजर आती है, उनसे अर्श के फरिश्ते हया करते हैं। वो अगर जंगल से गुजरे गुजरते हुए सदा बुलंद करे, नहनु सहाबा रसूलिल्लाह, हम अल्लाह के रसूल के सहाबा, जंगल में दाखिल हो चुके हैं और दरिंदे तुम्हें कहते हैं उखरुजू मिन हाजा, इससे घर से निकल जाओ, तो चश्मे फलक ने देखा कि जंगल के दरिंदे अपने मासूम और छोटे बच्चों को अपनी गर्दनों पे लाद कर कतार अंदर कतार उनके लिए जंगल खाली करते नजर आते हैं। फारिफू लहुम फजलहुम, इनकी फजीलत पहचानो, अगर जनाबत की हालत में शहीद हो गए तो आसमान से फरिश्ते गुसल देने आते हैं। शहादत के बाद दुश्मन मैयत से बेहुर्मती का इरादा कर ले, अल्लाह शहद की मक्खियों को पहरेदार बना देते हैं। इनकी फजीलत को पहचानो, अगर अल्लाह के नबी दीनी मसलहत के तहत भी सरदारा ने कुरैश से बात करते वक्त किसी सहाबी के सवाल को ना पसंद करे तो अल्लाह आसमान से वही भेज देता है। अब तवल्ला, क्या कहूँ, बात मुख्तसर करता हूँ। फारिफू लहुम फसलहुम, इनकी फजीलत पहचानो, ये जन्नत ज़मीन पे है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। फारिफू लहुम फसलहुम, इनकी फजीलत पहचानो, अजमत सहाबा, इनकी अजमत पहचानो, इनकी अजमत पहचानो। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्म व अमल के बहकर सौदो बड़ा सराबा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा, कितने बुजूर और चरी थे नबी के सहाबा। फारिफू लहुम फजलहुम, इनकी फजीलत पहचानिए, वत्तबिउहुम अला असरिहिम, इनकी पैरवी की, इनके नक्शे कदम पे चलिए। तमस्सकु बिमस्ततातुम मिन अखलाकिहिम वसीरिहिम, इनकी अखलाक और किरदार को, सीरत अहवाल को मजबूती से थाम लीजिए। इनका दामन छूटने ना पाए, जिनसे इनका दामन छूटा मोहम्मद का छूट गया, और जिसने इनका दामन थामा मोहम्मद का थाम लिया। मन अहब्बहुम
فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم تمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم ان کی سیرت و کردار کو ان کی سیرت و کردار کو مضبوطی سے تھامو چھوٹنے نہ پائے ان کا زہد و برا ان کی علم و حکمت ان کی سخاوت و شجاعت ان کی عدالت و شرافت ان کا فہم و ذکا ان کی جود و سخا ان کی بندہ نوازی ان کی غریب پروری ان کی انوارات و برکات اور ان کے نصفات و فتوحات انہیں مضبوطی سے پکڑ لو ان کی محبت ان کا عشق ان کی اتباع مضبوطی سے یہی تو ہے جو ہدایت اور صراط مستقیم پہ ہے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو ان صحابہ کے قدموں میں آنا پڑے گا تجھے قرآن چاہیے ان صحابہ کے قدموں میں آنا پڑے گا تمہیں حدیث چاہیے صحابہ کے قدموں میں آنا پڑے گا محمد کا دین چاہیے ان کے قدموں میں آنا پڑے گا کیونکہ تم نے دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھا ہے ان کو مانتا نہیں تو تیرے پاس کچھ رہے کیسے تیرے پاس رہے کیسے ہر چیز کے گواہ تو یہ ہے ہر چیز کے گواہ تو یہ ہے بتائیے ایمان سیمپل کن کا صحابہ کا امن سیمپل کن کا صحابہ کا نبی کی ذات کے گواہ کون بلند آواز سے باپ کے گواہ کون وہی اترنے کے گواہ کون نبی کی نمازوں کے گواہ کون نبی کے روزے کے گواہ کون نبی کے حج کے گواہ کون نبی کے اعمال کے گواہ کون عبادات کے گواہ کون بدر کے حالات کے گواہ کون احد کے زخموں کے گواہ کون نبی کی خندق کی تکلیفوں کے گواہ کون حجۃ الوداع کے خطبے کے گواہ کون آیت آیت کر کے نزول قرآن کے گواہ کون نبی کے فرمان کے گواہ کون اللہ کے نبی کی شادیوں کے گواہ کون نبی کی بیٹیوں کی شادیوں کے گواہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات کے گواہ کون موحدات کے گواہ کون اگر چاند محمد تو ستارے کون استاد محمد تو شاگرد کون معلم محمد تو متعلم کون مربی اور شیخ محمد تو مرید اور مستشد کون اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو ایک ایک لمحے کے گواہ نبی کے صحابہ ہیں ان کو چھوڑ کر تو نبی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا تو محمد تک پہنچنا چاہتا ہے ہر ہر شے کے گواہ صحابہ ہیں اگر ان پہ ایمان ہے تو ٹھیک ہے نبی پہ بھی ہے ان پہ نہیں تو نبی پہ کیسے جیسے شادی سے پہلے جائز اولاد نہیں ہوتی اسی طرح محمد کے صحابہ کے بغیر نبی پر معتبر ایمان نہیں ہو سکتا فَإِنْ آمَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنَ ویسے بے شک مومن ہیں ہم اپنے آپ کو لیکن ہمارا ایمان معتبر تب ہی ہوگا جب صحابہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوگا جب صحابہ کی عقیدت میں بندھا ہوگا فَإِنْ آمَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا صحابہ سارے دین کے گواہ بلکہ یوں کہوں تو بے جانے اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے صحابہ اس مقدمہ کے گواہ ہے اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے صحابہ اس کے دلائل صادقہ ہے جیسے ہر مقدمہ کی صداقت گواہوں پہ موقوف ہوتی ہے ہر دعوے کی صداقت دلائل پہ موقوف ہوتی ہے بالکل اسی طرح اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت پہ موقوف ہے اگر صحابہ کی شخصیت مجروح ہو گئی تو اسلام اور قرآن کو مجروح ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے جبکہ وہ تو روایت ہے صحابہ راوی ہے وہ منقول ہے صحابہ ناقل ہے اگر بات سے اعتماد اٹھانا ہو تو بات کرنے والے کی شخصیت مجروح کی جاتی ہے جس نے دین کو مجروح کرنا ہے وہ صحابہ پہ حملہ کرتا ہے یاد رکھیے حضور ہمیں دین دے کے گئے وہ کسی درخت کے ساتھ باندھ کر دے کے نہیں گئے وہ کسی کپڑے میں رکھ کے دے کے نہیں گئے وہ
हमें हुजूर सहाबा के सीनों में रख के देके गए हैं। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लजीना उतुल इल्म, जो हुजूर हमारे लिए छोड़ के गए वो सहाबा के सीनों में छोड़ के गए। तो सहाबा के सीने संदूक है, मोहम्मद का दीन जेवर है जो सहाबा के सीने के संदूक में है। जब सहाबा के सीने संदूक और मोहम्मद का दीन जेवर, तो अब इसका तकाजा ये है कि चौकीदार की नजर भी संदूक पे हो, और चोर की तो होती ही संदूक पे, क्योंकि जेवर जो संदूक में होता है। चौकीदार की नजर भी संदूक पे कि मैंने इसका पहरा देना है, चोर की नजर भी संदूक पे कि मैंने इसको चोरी करना है। अब उसे संदूक से कोई लेना देना नहीं होता। असल जो संदूक के अंदर है, माफी जर जो संदूक के अंदर है, असल तो उससे लेना देना है। वो चाहता है संदूक को उठाऊं और अंदर वाले को मर्जी से तोड़ू फोड़ू, जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। और चौकीदार कहता है संदूक बचाऊं तो अंदर वाले माल को बचाऊं। तो चोर की नजर भी संदूक पे, चौकीदार की नजर भी संदूक पे। चोर को सहाबा से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि संदूक है। असल चोरी अंदर के माल की करनी है जो मोहम्मद का दीन है। और जो पहरेदार है वो भी असलन सहाबा को नहीं, नबी के दीन को बचाना चाहता है, लेकिन इस संदूक को छोड़ के बचाया ही नहीं जा सकता। पानी गिलास में हो उसकी हिफाजत के लिए गिलास की हिफाजत करनी है। पानी गिलास में हो तो पानी की हिफाजत के लिए गिलास की हिफाजत करनी पड़ती है। गिलास को तोड़ के पानी महफूज नहीं रखा जा सकता। सहाबा को छोड़ के नबी का दीन महफूज नहीं रह सकता। इसलिए सहाबा का दिफा पूरे दीन का दिफा है। अपनी तमाम तर सलाहियतें उनके तहफ्फुज़ के लिए बरूए कार लाइए। इल्मी सलाहियतें सहाबा किराम को पढ़िए, उनका तारुफ करवाइए, इस्लाम में उनकी आईनी हैसियत बताइए, ताकि ज़हन साफ हो और सहाबा किराम जो पूरी उम्मत के मोहसिन हो उनके बारे में जुबान बदगुमानी से बचे, जुबान बदजुबानी से बचे और सीना बदगुमानी से बचे। ये हमारे मोहसिन है, ये मुल्क भी हमारा है, ये वतन भी हमारा है, हमें इसका अमन अजीज है, हम इसकी तरक्की के खाहा है, इसको बदअमनी से भी बचाना है। इसलिए हम कहते हैं मुख्तदर शख्सियात की ताज़ीम ये जरूरी हो और किसी की तौहीन की इजाजत ना हो। सहाबा किराम भी हमारे ईमान का हिस्सा, अहले बैत नबुव्वत भी हमारे ईमान का हिस्सा, और अहले बैत भी सहाबियत का फर्द है, सहाबियत से अलग नहीं है, वो उनका जुज़्वी तआरुफ है। वरना हकीकी तौर पे देखा जाए नबी की बीवियां भी सहाबियात, नबी की बेटियां भी सहाबियात, नबी के नवासे भी सहाबी। तो जब सहाबा की शान बयान होती है तो वो शान खुद ब खुद हसन को भी तलाश कर लेती है, हुसैन को भी तलाश कर लेती है, नबी की बीवियों को भी तलाश कर लेती है, बेटियों को भी कर लेती है। वो भी सहाबा है, सहाबियात है। और अगर कोई शख्स सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत से बूझ रखता है, वैसे ऐसा मुझे आज तक नजर नहीं आया जो सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत से बूझ रखे, तो उसे अपने ईमान पे नजर सानी करनी चाहिए। अगर कोई हो तो मिला नहीं। और अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत के दावे में सहाबा से बूझ रखे, उसे भी अपनी खैर मनानी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा व अहले बैत दीन के लिए ऐसे ही है जैसे चेहरे के लिए दो आंखें हैं। अब इनमें से कौन सी कितनी जरूरी है, कौन कह सकता है मेरी दायां ज्यादा जरूरी है या बायां ज्यादा जरूरी है। चेहरे का हुस्न दो आंखें, मोहम्मद के दीन का हुस्न दो तबके, एक को सहाबा कहते हैं, दूसरे को अहले बैत कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन दोनों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, की मोहब्बत को दिलों में मजबूती से जगह देने वाला बनाए। ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, अगर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।